हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। महालया की हार्दिक शुभेच्छा। बंगाल की परंपरा के अनुसार महालया माने देवी दुर्गा की प्रतिमाओं में आंखें दान की जाती है और माँ दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है और हमारा दुर्गा पूजा फेस्टिवल की तरफ पहला कदम। ये बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। पूरे साल भर इंतजार के बाद ये 5 दिन हमारे लिए बहुत खास होते हैं। घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस उपलक्ष्य में मैं शेयर कर रही हूँ एक रिक्वेस्टेड रेसिपी फ्रॉम श्रावोनिका चटर्जी। उन्होंने कहा है हिल्सा स्टीम्ड फिश बनाने के लिए, तो आज लेकर आई हूँ मैं भापा इलिश। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास येलो सरसों पाउडर में था, वो ले लिया, और यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून ब्लैक सरसों के दाने। और अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर मैं इसे भीगने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये पाउडर मैंने घर में ही बना कर रखा था सरसों का, तो मैं इसलिए पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ लिया है मैंने 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, नमक, हल्दी और हरी मिर्च कुछ उसमें डालने के लिए और कुछ पीसने के लिए। और यहाँ लिया है मैंने दही, जिसमें से मैं 2 या 3 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। और ये हिल्सा फिश इलिश माछ, आप चाहे तो इसकी जगह दूसरा कोई रोहू कटला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम फिश फ्राई नहीं करने वाले हैं, इसे हम डायरेक्ट स्टीम करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी। अच्छे से इसे नमक और हल्दी में लपेट कर मैरिनेट करने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से मैरिनेट होने के लिए छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर तक नमक चले जाए। किसी किसी को इसका स्मेल अच्छा नहीं लगता है, तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा हल्का इसे तल भी सकते हैं। और यहाँ मैंने एक वाटी ले लिया है और उसमें जो काला सरसों था इसे छानकर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है पीसने के लिए। और कुछ हरी मिर्चें ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 ही मिर्च डाला है, क्योंकि ये काफ़ी तीखे हैं मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और ऐड कर दिया वहाँ पे पीला सरसों जो मैंने भिगो कर रखा हुआ था। और डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, नमक, क्योंकि जो सरसों का कड़वापन होता है वो फिर कम हो जाता है। और इसे अच्छे से हम पेस्ट बनाकर पीस लेंगे। सरसों थोड़ा टाइम लगता है पीसने में, इसलिए कम से कम 4-5 बार घुमा घुमा कर मैंने इसे पीस लिया है। अब एक छन्नी ले लेंगे छोटी सी, और उसमें हम सारे पेस्ट को डालकर अच्छे से उसे छान लेंगे, ताकि उसके अंदर का जो काला जो छिलका है सरसों का वो अलग हो जाए। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अगर आप चाहें छिलके के साथ बनाना तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये छिलके काफ़ी मोटे होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इन छिलकों को निकाल लें, ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए। सरसों वैसे ही काफ़ी किसी किसी को सूट नहीं करता है, इस कंडीशन में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पूरा पेस्ट ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से छन गया है और इससे भी काफ़ी सारा छिलका मैंने निकाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जार में बचा हुआ मसाला भी उसमें घुल के निकल जाएगा। और एक बड़ी सी वाटी ले लेंगे जिसमें हमें फ़िश को स्टीम करना है, उसमें सभी पूरे जो मसाले का घोल था उसे हम डाल देंगे। और ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून दही, आप चाहे तो यहाँ पहले फेटा हुआ दही मिला सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही इसमें डालकर इसे अच्छे से फेट लिया। तो ये दही भी अच्छे से फिट चुका है। और इसमें हम ऐड करने वाले हैं कुछ मसाले, जैसे कि 1/2 टीस्पून हल्दी, और स्वाद के अनुसार 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। इस रेसिपी में हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालना अच्छा रहता है कलर के लिए। और जो फिश था उसे हम डायरेक्ट इस मसाले में डालकर इसे ऊपर नीचे करके अच्छे से कोट कर देंगे। इस फिश की बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती है, मैं वो भी कभी आपसे शेयर करूँगी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ हरी मिर्ची, जिसे मैंने सिर्फ स्लिट करके और थोड़ा सा चीर कर उसके ऊपर से रख दिया है, ताकि थोड़ा सा उसका जो स्पाइसनेस है वो भी फिश में चला जाए। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वो है कच्चा सरसों का तेल। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है तेल, आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और एक सजेशन ये है कि आप इसे स्किप ना करें, ये वाला सरसों तेल यहाँ पर डालना का जो प्रोसेस है, क्योंकि इससे ही इसका जो स्वाद में काफ़ी एनहेंस हो जाता है। तो अभी हम इसे 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था मैरिनेट होने के लिए, पूरे मसाले में डूब कर अच्छे से इसका पूरा जो रस है वो चला जाएगा अंदर। और इसे हम अब स्टीम कर लेंगे।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस में एक कढ़ाई ले लिया है, बड़ा मुंह वाला, उसमें 1.5 गिलास पानी डालकर पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और उस पर एक जाली रख देंगे और डायरेक्ट हम बर्तन को उसमें रख देंगे ढककर और ऊपर से एक लीड लगाकर 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो हो चुका है ये स्टीम, देख लेते हैं। तो अब ये हम गर्म है, अभी इसे खोल नहीं सकते, हम इसे गैस बंद करके ही स्टैंडिंग टाइम में छोड़ देंगे और ठंडा करने के बाद इसे खोलेंगे। थोड़ा स्टीम हो जाने की वजह से ये खुल नहीं रहा था। तो ये देखिए कितना टेस्टी, सुपर टेस्टी हमारा हिलसा फिश तैयार है, भापा इलिश। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी। इसे आप गरम गरम चावल के साथ ही खाएं, उससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। तो अब मैं भी सर्व कर देती हूँ भापा इलिश कुछ इस तरह, और इसमें धनिया पत्ती वगैरह नहीं डाला जाता है क्योंकि फ़िश का जो स्मेल है, कहते हैं कि धनिया पत्ती से वो कम हो जाता है। और इसे आप इस तरह ही सर्व करें, इसे हम फ्राई करके भी खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही ऑथेंटिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।